एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज हम आप पर बात करेंगे जो ECI बल्गेरिया T10 का आज के दिन का पहला मैच होगा जो खेला जाएगा बल्गेरिया वर्सेस ग्रीस के बीच में। तो इस मैच की मैं आपको इन डेप्थ एनालिसिस करके दूंगा, बस आपको करना क्या है, ये जो वीडियो है आपको अच्छे से पूरा वॉच करना है। उसी के साथ अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो और अगर आपने अब तक टेलीग्राम चैनल जो नहीं किया है तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन करना क्यों है, क्योंकि वहाँ पर आपको ऑफिशियल बेटिंग ऑर्डर मिलेगा जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसी के अलावा फाइनल टीम आपको वहां पर मिलेगी। तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ना बिल्कुल मिस मत करना। जुड़ने के दो बहुत ही सिंपल तरीके हैं, एक तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, दूसरा कमेंट सेक्शन में भी सबसे पहले कमेंट में आपको टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो टॉप पर पिन किया हुआ मिल जाएगा। तो दोनों जगह से जाकर आप इजीली टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जैसे अगर आपको डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन करना है तो आप टाइटल में जाकर मोर के बटन पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाओगे, वहां पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। दूसरा कमेंट सेक्शन में आप कमेंट पर जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर क्लिक करते ही जो सबसे पहला कमेंट आएगा उसमें भी आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। उसी के साथ चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर देना, उससे मोटिवेशन बना रहता है। बात करते हैं मैच के बारे में। तो भाइयों ये मुकाबला स्टार्ट होगा सुबह 11:15 पर। मैच में बारिश के हाई चांसेस हैं और आपको पता है यहाँ पर लगातार बारिश हो ही रही है। उसी ग्राउंड पर मैच है जहाँ पर अभी ECS बल्गेरिया के मैचे चल रहे थे ना, वहीं पर आर्टिफिशियल विकेट है, एवरेज इसको 90 से 120 बनता है। 60 मुकाबले जो अभी हुए थे उसमें से 23 जीते थे बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने, 16 में चेज हुआ था, 21 मैच नो रिजल्ट रहे थे बारिश की वजह से। अब देखो पहले बात कर लेते हैं बल्गेरिया की टीम की। तो बल्गेरिया की जो टीम है अभी जो इनके सारे प्लेयर थे ना वो अलग अलग टीम्स में खेल रहे थे, इंडो बल्गेरिया में, कोई यहाँ पर इस्तानाबुल KSK में, तो अलग अलग टीम में थे और वहाँ पर ये सब टॉप ऑर्डर में खेलते थे। लेकिन अभी क्या होगा भाई, हर कोई तो ओपनिंग में आ नहीं सकता। तो इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि बैटिंग ऑर्डर जो आएगा ना बल्गेरिया की टीम का वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आपसे बोल रहा हूँ कि टेलीग्राम चैनल से आप ज्वाइन हो जाना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अभी के लिए मैं मान के चल रहा हूँ कि बल्गेरिया की तरफ से बख्तीरा ताहिरी और मनन बसीर ओपन करेंगे। बख्तीरा ताहिरी अच्छा प्लेयर है, 2023 का अगर आप सिर्फ रिकॉर्ड देखो तो 8 मैच में 166 रन, 6 विकेट, 9 ओवर डाल के बैटिंग बॉलिंग दोनों चीज़ें कर सकता है। मनन बसीर है ये भी, अभी हाल फिलहाल में आपको पता है 100 भी इसने लगाया है, 8 मैच में 340 रन करके आ रहा है, 2023 के अंदर इंपॉर्टेंट रहेगा। कुशल कृष्णा कुमार ये भी अच्छा प्लेयर है, बस देखने वाली बात ये रहेगी बैटिंग कहाँ पर करता है। अभी जो 5 इसने T10 के मुकाबले खेले उसमें 218 रन किए थे 109 के एवरेज से। जैन आसिफ है ये बैटिंग बॉलिंग दोनों कर सकता है, सिर्फ अगर आप 2023 का रिकॉर्ड देखो तो 12 मैच में 340 रन, 37 का एवरेज और 6 विकेट है 17 ओवर डाल के, बहुत बढ़िया ऑलराउंडर हैं ये। प्रकाश मिश्रा है 2023 के अंदर 13 मैच में 196 रन, मैंने ओवरऑल T10 के रिकॉर्ड भी लिखे हुए हैं, 13 मैच 196 रन और 8 विकेट है 16 ओवर डाल के, बैटिंग बॉलिंग ये भी दोनों कर सकता है। ओमर रसूल ने 2022 के अंदर 6 मैच खेले जिसमें 120 रन, 40 का एवरेज, उतना खास रिकॉर्ड इसका नहीं है। डीमो निकोल्व है, इसने अभी जो 2023 के अंदर ये खेल रहा था लेकिन वहाँ पर ये ओपन कर रहा था, अभी ये इसको ओपनिंग का चांसेस बहुत कम है, 13 मैच में 137, 7 विकेट है 15 ओवर डाल के। अगा गयूल अहमदिल ये भी अच्छा खासा खेल रहा था अभी जो सीरीज चल रही थी, 9 मैच 209 रन, 6 विकेट इसके नाम थे 15 ओवर डाल के। जिरक चौकटाई बॉलिंग के रूप में खेलेगा, 7 मैच में 163, 5 विकेट थे 14 ओवर डाल के, 2 ओवर की कंफर्म बॉलिंग देगा, बैटिंग तो शायद नीचे इसको मिलेगी। गगनदीप सिंह अभी जो सीरीज खत्म हुई उसमें 13 मैच में 6 विकेट थे, मतलब बॉलिंग इसको लगातार मिल रही थी लेकिन विकेट कम मिल रहे थे। और दनियाल अली के नाम अभी जो सीरीज खत्म हुई उसमें 9 मैच में 36 रन, 2 विकेट थे 13 ओवर डाल के। तो यहाँ से जो इंपॉर्टेंट प्लेयर है वो है बख्तियार ताहिरी, मनन बसीर, जैन असीफ, प्रकाश मिश्रा, यहाँ से अगा गयूल अहमदिल और जिरक चौकटाई। इसके अलावा आप डीमो निकोल्व या फिर कुशल कृष्णा कुमार में से किसी एक को पिक कर सकते हो। बेंच पर जो प्लेयर हैं उनके भी स्टेट्स आप देख लो, तो वसील हरिस्टो हैं जिसने 2023 के अंदर 6 मैच में 28 रन किए, 14 का एवरेज है, नीचे बैटिंग करता है, उतना खास प्लेयर है नहीं। केविन डिसोजा हैं, ओवरऑल 30 मैच में 355 रन, 37 का एवरेज, 1 विकेट है, जबकि 2023 में 3 मैच में 33 रन, 1 विकेट है। अली रसूल है, अगर खेलता है तो मेन बॉलर है, लेफ्ट आर्म मीडियम पेस बॉलर, ओवरऑल 22 मैच में 22 विकेट, 2023 में 5 मैच में 7 विकेट। डेलरिक विन्नू 31 मैच में 19 विकेट है, 2023 में 5 मैच में 0 विकेट है। हुजेब यूसुफ के नाम 34 मैच में 21 विकेट है ओवरऑल, और 2023 में 9 मैच में 5 विकेट है, इसको भी बॉलिंग मिलती है लेकिन विकेट उतने नहीं है। इवायुल कतजर्स की 21 मैच में 111, 7 विकेट है, 20 ओवर डाल के ओवरऑल।
सामने जो टीम के टीम है ग्रीस की टीम, इनके जो ज़्यादातर प्लेयर है वो डोमेस्टिक T20 खेल के आ रहे हैं, जैसे कि यहाँ से क्रिस्टस मोलिनारिस हैं, इसने अभी 2023 के अंदर 6 D20 के मैच खेले हैं डोमेस्टिक लेवल पर, जिसमें 80 रन किए हैं, मात्र 16 का एवरेज है, उतना खास रिकॉर्ड नहीं है। एलेक्सी सोवालिक्स की बात करूँ तो ये बैटिंग बॉलिंग दोनों करता है, 9 मैच खेले 2023 में T20 के, 100 रन है और 8 विकेट है 31 ओवर डाल के। असलम मोहम्मद इनका सबसे अच्छा प्लेयर मैं मान के चल रहा हूँ, क्योंकि बैटिंग बॉलिंग दोनों में आपको कंट्रीब्यूशन करके देगा। ओवरऑल 20 मैच में 279, 13 विकेट है 27 ओवर डाल के, जबकि 2023 के अंदर 6 मैच में 117 रन और 3 विकेट है 10 ओवर डाल के। इंपॉर्टेंट प्लेयर आपके लिए ये रहने वाला है। रमज़ान मोहम्मद 6 T10 के मैच खेले, जिसमें 91 रन है, 18 का एवरेज है, जबकि डोमेस्टिक T20 में 7 मैच में 119, 4 विकेट है 11 ओवर डाल के। यहाँ से सिनान खान है, 8 T10 के मैच खेला है, जिसमें 99 रन है और 3 विकेट है 7 ओवर डाल के, मतलब बॉलिंग मिलती है लेकिन कम बॉलिंग मिलती है इसको। अमरप्रीत महमी है, 8 T10 में 66 रन, 4 विकेट है 12 ओवर डाल के, T20 में 11 मैच में 61 रन, 4 विकेट है 17 ओवर डाल के, और डोमेस्टिक T20 में 11 मैच में 144 रन, 7 विकेट है 18 ओवर डाल के, तो ये भी ठीक ठाक सा प्लेयर है। अली मुवाज के नाम, 8 T10 में 74 रन, 4 विकेट है 10 ओवर डाल के, जबकि डोमेस्टिक T20 में 4 मैच में 72, 3 विकेट है 6 ओवर डाल के। जुबैर अशरफ के नाम, T10 के 8 मैच में 63 रन, 6 विकेट है 11 ओवर डाल के, ये भी आपको 2 ओवर की बॉलिंग देने वाला बॉलर है। असरार अहमद के नाम, 14 मैच में 12 विकेट है 19 ओवर डाल के, और 2022 में 6 मैच में 2 विकेट है 4 ओवर डाल के, मतलब 2022 में इसको ज़्यादा बॉलिंग नहीं मिली थी। यहाँ से आएंगे जॉर्जियस जलानिस, ये भाई 2 ओवर की बॉलिंग डालता है, 14 मैच में 12 विकेट है ओवरऑल, और 2022 में 6 मैच में 2 विकेट है। और निक कैचिज, ये सिर्फ नीचे बैटिंग करता है, 6 मैच में 1 ही रन है। अब यहाँ से देखो, अभी के लिए आप पिक कर सकते हो किसको, एलेक्सी सोलिक्स, असलम मोहम्मद, रमज़ान मोहम्मद को रख सकते हो अगर टीम पहले बैटिंग कर रही है, अदरवाइज़ आप नीचे से यहाँ पर पिक कर सकते हो, असरार अहमद हो गए, जॉर्जियस जलानिस हो गए, इसके अलावा जुबैर अशरफ हो गए। बाकी बेंच पर जो प्लेयर हैं उनके भी स्टेट्स आप देख लो, तो जॉर्जियस स्टोगिनस हैं, डोमेस्टिक T20 के 4 मैच में 25 रन, 1 विकेट है। एड्रियस हैं, जिसके नाम T20 के 2 मैच में 4 रन है, और स्पाइडन गैस्ट्रिस हैं, 4 T20 के मैच में 23 रन, 5 विकेट है 14 ओवर डाल के, खेलता है तो इंपॉर्टेंट रहेगा। एनालिसिस वाला जो पार्ट था इस मैच का, मैंने बहुत अच्छे से आपको बता दिया है, पूरे प्लेयर के स्टैट्स आपको देखने को मिल जाएगा, तो भाई वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है, और उससे मोटिवेशन बना रहता है। अब बात कर लेते हैं डेमो टीम की। डेमो टीम की बात करूँ उससे पहले आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि भाई फाइनल टीम और फाइनल बैटिंग ऑर्डर जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आपका वीडियो देखने का क्या मतलब रहेगा अगर आपको बैटिंग ऑर्डर नहीं पता रहेगा, तो इन सब के लिए टेलीग्राम चैनल से आपका ज्वाइन होना बहुत ज़रूरी है। ज्वाइन होने का तरीका बहुत ही सिंपल है, एक तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, दूसरा कमेंट सेक्शन में, सबसे पहले कमेंट में भी आपको टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो टॉप पर पिन किया हुआ मिल जाएगा, दोनों जगह से जाकर आप इजीली टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। अभी के लिए मैंने डेमो टीम में विकेट कीपिंग सेक्शन से बी ताहिरी को रखा है, बैटिंग सेक्शन से ए रहीमी, मनन बासिर, जेड असीफ, यहाँ से आर मोहम्मद, जिरक चोकटाई, और ऑलराउंडर सेक्शन से असलम मोहम्मद, प्रकाश मिश्रा, अगा गयुल अहमदिल, बॉलिंग सेक्शन से असरार अहमद और जी ग्लानिस को रखा है। कैप्टन मेरे यहाँ से रहेंगे ए मोहम्मद, वाइस कैप्टन बी ताहिरी, लेकिन फाइनल टीम ये है नहीं, फाइनल टीम टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी। तो थैंक यू भाइयों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।